प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रूपेश कांत व्यास ने सजनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में कैद बाघ T24 उस्ताद को सीएम अशोक गहलोत से पुनः जंगल में छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले प्रदेश की संवेदनहीन भाजपा सरकार और वन विभाग के अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से निर्दोष बाघ T24 उस्ताद को रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिंजरे में कैद कर दिया, जबकि अधिकांश लोग और NTCA भी कई बार राज्य सरकार से उसे पुनः जंगल में छोड़ने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में व्यास ने सीएम अशोक गहलोत से मानवीय संवेदना दिखाते हुए निर्दोष बाघ T24 को पुनः जंगल में छोड़ने की मांग की है और दोषी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है। बाघ T24 उस्ताद को आज पूरे 5 साल हो जाएंगे जब उसे बिना वजह और बेकसूर होने के बावजूद उसके अपने घर अपने परिवार से जबरदस्ती सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैद कर दिया गया। इस दौरान पिछले 5 साल में NTCA विभिन्न संगठन जो हैं वन्यजीव संगठन और इंडिविजुअली भी कई लोगों ने देश विदेश से मांग करी कि बाघ T24 उस्ताद को पुनः उसके घर रणथंबोर या सरिस्का या किसी भी अन्य वन्यजीव पार्क में खुला छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये उसके साथ अन्याय किया गया था। और IVR बरेली की जो रिपोर्ट आई उसमें भी उस्ताद बाघ T24 को माना गया कि वह बेकसूर है और स्वस्थ है और खुले में ही रहने के लायक।